सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा एक जर्नी पे, अ जर्नी थ्रू माय वाटर कलर्स। और अभी आप मेरे टेबल पे देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स रखी हुई है और ये मेरे सारी वाटर कलर्स है। और अभी तक मैंने जितने भी वाटर कलर पेंटिंग्स किए हैं ये उसका ऑलमोस्ट 25% होगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अभी ऑलमोस्ट 500 टू 600 वाटर कलर पेंटिंग्स है मेरे टेबल के ऊपर, जो मैंने पिछले कुछ सालों में की है। तो मैंने कुछ कुछ पेंटिंग्स सॉर्ट आउट करके रखी है आज के इस वीडियो के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे वाटर कलर पेंटिंग्स की टूर दूंगा जो कि मैंने पिछले कुछ सालों में बनाई है, और इसमें लगभग 2018 से लेकर के अभी तक का कुछ कुछ काम है। उससे पहले का जो काम था वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे पेंटिंग्स मैं किसी को ऐसे ही दे देता हूँ, कोई बहुत सारी पेंटिंग खराब हो जाती है तो उस टाइम मैं उतना मेंटेन नहीं करता था। अभी भी मेंटेन नहीं करता हूँ, अभी मैं ऐसे इसको बंद करके रखा रहता हूँ। अभी मेरे क्लासेस चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए मैंने कुछ कुछ पेंटिंग्स बाहर निकाली थी, तो मेरा मन हुआ कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और ये सारी पेंटिंग्स देखने के साथ में आपको भी पता चलेगा कि जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस होता है, अगर आप कुछ भी आर्ट कर रहे हो उसमें जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस होता है वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस से ही आती है और टाइम के साथ ही आती है। ऐसा नहीं कि मैं अभी जो वाटर कलर कर रहा हूँ अचानक से हो गया और अभी जो मुझे थ्योरीज पता है वाटर कलर के बारे में वो 4 साल पहले नहीं पता थी। पहले भी पता था, अभी भी पता है, लेकिन बहुत कुछ होता है कि आपको पता होता है लेकिन आप उसको जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हो, खुद से एक्सप्लोर नहीं करते हो, खुद से उसको मतलब इम्प्रूव नहीं करते हो प्रैक्टिकली, तब तक सिर्फ पढ़ाई करने से या फिर थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ A3 साइजेस के कुछ पेंटिंग दिखाऊंगा, थोड़ा सा लैंडस्केप आर्किटेक्चर और थोड़ा सा फिगरेटिव भी, जो कि साल 2018 से लेकर के अभी 2021-22 साल तक जो मैंने किया है उसमें थ्रू आउट द ईयर मैंने कुछ कुछ पेंटिंग सिलेक्ट करके रखी है जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो पे बने रहिए मेरे साथ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हो, मेरे शॉर्ट्स पसंद करते हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे जो लॉन्गर वीडियोज है उसको भी पूरा देखा करिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे लॉन्ग वीडियोज भी पूरा देखेंगे। तो चलिए टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस वाली पेंटिंग से। ये पेंटिंग मैंने 2018 में बनाई थी, हैंडमेड पेपर के ऊपर ये काम है और ये एक कॉपी वर्क है, मैंने किसी और आर्टिस्ट का पेंटिंग लेके कॉपी किया था इसको। ये भी मैंने 2018 में बनाया था, ये कोलकाता का एक लैंडस्केप मैंने किया था, सिटीस्केप, ये एक पेंटिंग मैंने की थी उस वक्त में। ये मैंने एक लाइट हाउस बनाया था उस वक्त 2018 में हैंडमेड पेपर से। ये सिटीस्केप, ये वाराणसी की मैंने पेंटिंग की थी 2019 में, मैंने ये बनाया था। ये सारे जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो वो मेरे कॉलेज टाइम का, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त मैं फ्री टाइम ये सब बनाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। ये भी 2018 का है, कोलकाता का येलो टैक्सी, उस वक्त मुझे काफ़ी पसंद था ये पेंटिंग। एक और कोलकाता का द आइकॉनिक येलो टैक्सी, ये एक वाटर स्केप, ये एक पेंटिंग मैंने बनाई थी 2018 में, उस वक्त का मेरा सबसे फेवरेट पेंटिंग था। ये मैंने बनाई थी 2019 में, जो मैंने पिक्चर से बनाया था उस वक्त, एक दो मैंने किए थे उस वक्त भी प्लेन एयर। ये भी 2019 का काम है हैंडमेड पेपर पे। ये मेरा 2020 का काम है, जब मैं बैंगलोर में था, जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था उस वक्त की ये पेंटिंग है। ये भी मैंने 2020 में बनाया था। ये दोनों जो पेंटिंग है 2020 की, जो मेरे जो भी पेंटिंग होगी वो उस वक्त का है जब मैं जॉब किया करता था। जॉब से आने के बाद मैं डेली कुछ ना कुछ पेंटिंग किया ही करता था, मैं कोशिश करता था कि डेली काम करूँ, भले आधा घंटा ही टाइम मिले तो आधा घंटा भी मैं जरूर दिया करता था पेंटिंग में ऑलमोस्ट डेली। सब 2020 की पेंटिंग है, 2020 की जितनी भी पेंटिंग वो सब ड्यूरिंग माय जॉब डेज है, क्योंकि 2020 नवंबर के बाद मैंने जॉब छोड़ी थी और उसके बाद का जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हुआ था जब मैंने फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया था पेंटिंग में। फिर वाराणसी का मैंने एक बनाया था उस वक्त 2020 में, ये साउथ इंडिया का एक टेम्पल है, 2020 में मैंने बनाया था। ये एक मैंने प्लेन एयर किया था 2020 में, जब मैं बैंगलोर में था और मैंने नया नया अपना आउटडोर पेंटिंग का ईजल खरीदा था, तब मैंने पहली पेंटिंग यही की थी। ये भी एक प्लेन एयर है बैंगलोर का ही, ये एक वाराणसी का सिटीस्केप है, एक लैंडस्केप, और ये सारा काम ऑलमोस्ट हैंडमेड पेपर पे ही है मैक्सिमम सब। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग्स है। ये मैंने एक रियलिस्टिक काम किया था उस वक्त 2020 में, ये एक वाराणसी का इम्प्रेशन वर्क है जो मैंने उस वक्त किया था 2020 में। इसमें मैंने सिर्फ दो कलर का यूज़ किया है, आइवरी ब्लैक एंड रेड, और एक वाराणसी की पेंटिंग, ये
एक आर्किटेक्चर वर्क है। ये उस वक्त मुझे काफ़ी पसंद हुआ करता था ये पेंटिंग से। मैंने एरियल पर्सपेक्टिव में ट्रेन को ड्रॉ किया था, एक बहुत गंदा सा लैंडस्केप है जो मैंने 2020 में बनाया था। ये वेनिस, ये मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में डेमो दिया था, इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, टाइम लैप्स, आप चाहो तो देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसे। एक ट्रेन की पेंटिंग मैंने बनाई थी 2020 में, इसके बाद फिर एक ट्रेन की पेंटिंग। ये रिसेंट का एक प्लेन है चित्रपट पेपर पे, जिसे 2021 का स्टार्टिंग का होगा। ये कुछ पेन एंड इंक एंड पेन वॉक्स मैंने किए थे 2020 में, 1, 2, 3। ये भी एक प्लेन एयर है 2021 का, ये सब प्लेन एयर है। तो ये एक पेंटिंग मैंने 2021 में बनाई थी, ये भी एक प्लेन एयर वर्क है मेरा, 2020 का एक प्लेन एयर है। ये फिर 2021 में मैं अपने स्टूडेंट्स को वाटर कलर वॉक्स के बारे में सिखा रहा था, तब मैंने ये डेमो दिया था सिंपल सा एक पेंटिंग। ये सब मेरे क्लास वर्क है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था इस वक्त पर। ये 2020 में मैंने बनाई थी पेंटिंग सिटी स्केप, ये एक पेंटिंग की थी मेरे 2020 में, दिस इज स्टिल वन ऑफ माई वेरी फेवरेट पेंटिंग। एक पेंटिंग यहाँ पे स्टेयर्स को मैंने दिखाया, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ये सब मेरे जॉब के टाइम के बनाई हुई पेंटिंग है, ये सब मैं जब जॉब करता था बेंगलोर में रहता था पीजी में, वहाँ मैं डेली शाम में बनाया करता था पेंटिंग, और वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ लग जाया करता था देखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जॉब फील्ड में वहाँ लोग रहते हैं पीजी में, तो ये सब देख के उनको ही मज़ा आता था, काफ़ी भीड़ लग जाया करता था वहाँ पर। ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, ये सब इसमें बहुत सारी पेंटिंग है जो मैंने पोस्ट नहीं की है। ये एक ट्रेनर है मेरा बहुत पुराना, तो बहुत घटिया बना है, ना पर्सपेक्टिव है ना कुछ है। ये एक लैंडस्केप, ये फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को डेमो दे रहा था रिफ्लेक्शंस। ये एक ट्रेनर है मेरा, इस पेंटिंग की पूरी फुल वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो। ये भी एक ट्रेनर है एक लोकल रेलवे स्टेशन पे मेरे घर के पास, ये भी एक ट्रेनर पेंटिंग है। ये मैंने रिसेंटली बनाया था 2021 के एंड में शायद, ये काफ़ी पसंद, इसकी कंपोजिशन मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने बहुत अच्छे से इसको कंपोज किया था। ये मैंने कोलकाता में किया था प्लेन एयर लास्ट ईयर। ये एक बोर्ड की पेंटिंग है, यहाँ पे और एक इंक एंड पेन बॉक्स है, ये भी मेरे ऑनलाइन क्लास में से, ये भी मेरा एक क्लास वर्क है। हाउस इन ग्रीन्स मैंने नाम दिया था इसको, काफ़ी पसंद थी मुझे ये पेंटिंग, अभी भी है। ये मेरी रिफ्लेक्शन सीरीज़ पे मैंने काम किया था लास्ट ईयर, तो मैंने कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस के ऊपर बनाई थी पेंटिंग, जैसे इंडिया गेट है, ये साउथ इंडिया का एक टेंपल है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके बताइए। इसके रिफ्लेक्शन की मैंने स्टडी की थी, काफ़ी सुंदर है। मुंबई का ये मरीन ड्राइव, रिफ्लेक्शन के ऊपर और काफ़ी सारे बड़े साइजेस में भी पेंटिंग्स है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने A3 साइज़ के पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ कुछ कुछ। ये फिर एक मेरा क्लास वर्क है बोर्ड, यहाँ पे मैंने बताया था कि रफ पेपर पे किस तरह के स्ट्रोक्स बनते हैं, रफ पेपर पे कैसा पेंटिंग होता है, दिस इज रफ चित्रपट। ये एक और प्लेन एयर है, ये भी एक प्लेन एयर पेंटिंग है, मेरे घर के पास वाटरफॉल है, उसकी मैंने पेंटिंग बनाई थी, इसकी वीडियोज़ भी अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहो तो देख सकते हो। ये एक लैंडस्केप है, ये भी एक आउटडोर पेंटिंग है, ये मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में बनाया था कोलकाता में प्लेन एयर, ये मैं एक विलेज में जाके बनाया था मैंने ये प्लेन एयर, ये सब झारखंड के विलेज का प्लेन एयर। ये मैं वाराणसी में कर रहा था घाट की पेंटिंग, लेकिन बीच में ही मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था उसकी वजह से। फिर ये एक वाटरफॉल का प्लेन एयर पेंटिंग है, कोलकाता का विक्टोरिया, ये भी प्लेन एयर है, ये मैंने वाराणसी में किया था प्लेन एयर, ये भी वाराणसी का एक प्लेन एयर है, अगेन वाराणसी, एक और वाराणसी में जाके मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो अभी बहुत सारे बड़े बड़े साइजेस के भी पेंटिंग मैंने वाराणसी में की है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ A3 साइज़ के ही दिखा रहा हूँ। ये मैं कुछ टाइम पहले बिहार गया था, 3-4 महीने पहले, तब मैंने बिहार में आउटडोर किया था, ये भी बिहार की पेंटिंग है मेरे विलेज की, ये भी मैंने बिहार में बनाया था। ये काफ़ी अर्ली डे का एक प्लेन एयर है, इसे मेरे काफ़ी स्टार्टिंग के प्लेन एयर, जब मैंने स्टार्ट किया था प्लेन एयर करना, ये मैंने रेलवे स्टेशन पे बैठ कर बनाया था, एरियल व्यू ब्रिज के ऊपर से परमिशन लेके बकायदा मैंने बनाया था।
ये गांव की पेंटिंग है मेरे घर के पास की, ये एक सिटीस्केप धनबाद का ही है, ये एक साल पहले का काम है आर्किटेक्चर वर्क, ये भी आउटडोर लाइव वर्क है, ये मैंने पिक्चर से बनाया था। तो अभी मैंने आपको अपने आर्किटेक्चर और लैंडस्केप दिखाया और अब मैं आपको अपने कुछ फिगरेटिव काम दिखाता हूँ जिसमें मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स किए हैं, कुछ फिगर्स किए हैं और कुछ थोड़ा बहुत एनिमल या बर्ड की स्टडी मैंने की थी। तो आई होप आपको ये पोर्ट्रेट्स वगैरह ही पसंद आएंगे। ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स जो होती है वो कमीशनड होती है तो सेल हो जाती है, तो मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कम पोर्ट्रेट्स है और बहुत कुछ मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे स्टूडियो में। कुछ पोर्ट्रेट्स एंड फिगरेटिव काम देखते हैं। एक पोर्ट्रेट मैंने बनाया था 2016 में, जब मुझे वाटर कलर और पोस्टर कलर का डिफरेंस भी नहीं पता था, दोनों अलग अलग होते हैं। मुझे लगता था कि पानी मिलता है तो सब वाटर कलर है। तो ये मैंने राजकुमार सब्दी सर को कॉपी किया था उस वक्त में। उनका जो स्टाइल है काम करने का, उनका जो एक इम्प्रेशन वाला फील आता है पोर्ट्रेट्स में, इम्प्रेशन प्लस रियलिज्म, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी इंस्पायर करते हैं सर मुझे। ये मैंने बनाया था 2018 में। अभी यहाँ पे मैं आपको पोर्ट्रेट्स और थोड़ा बहुत फिगरेटिव लाइक कुछ एनिमल या बर्ड्स के मैंने पेंटिंग्स बनाए थे उस टाइप के कुछ कुछ दिखाता हूँ। अभी मैंने पोर्ट्रेट बनाया था 2019 में, मैंने अपनी दादी की पोर्ट्रेट बनाई थी 2018 में, काफ़ी ओवरवर्क है इसमें। एक पेंटिंग ये गणपति की पेंटिंग बनाई थी मैंने 2018 में, उसके बाद मैं आपको 2 साल बाद की गणपति की पेंटिंग भी दिखाऊंगा। मैंने गणेश जी को मैंने बहुत बार पेंट किया है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैंने काफ़ी सारे पेंट किए हैं, काफ़ी सारे मेरी पेंटिंग सेल भी हुई है मैथोलॉजिकल कैरेक्टर की। एक पोर्ट्रेट था 2019 में मैंने बनाया था, एक फिगरेटिव वर्क है, कोई हलवाई है जो कुछ कुक कर रहा है, उसमें स्टीम बाहर आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी उस वक्त में। एक कुछ नया सब्जेक्ट मैंने ट्राई किया था उस वक्त, महादेव की पेंटिंग मैंने बनाई थी उस वक्त, ये भी 2018 की है। ये 2018, ये मैंने 2018 में बनाया था, उस वक्त का मेरा सबसे फेवरेट था ये कैरेक्टर, ये भी मैंने 2018 में बनाया था। जगन्नाथ प्रभु की पेंटिंग मैंने बनाई थी 2020 में मैंने बनाया था जॉब के दौरान, ये भी मैंने 2020 में बनाया था जब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ये भी 2020 की है। वैल्यू स्टडी फॉर फेस एक पेंटिंग है, ये मैंने होली के ऊपर बनाया था एक इम्प्रेशन वॉक, ये मैंने एक फ्लावर मार्केट बनाया था, मैंने पीयूष मिश्रा जी की पेंटिंग बनाई थी छोटे से एक पोर्ट्रेट, ये मैंने ड्यूरिंग कोविड बनाया था, ये भी इसमें एक और आर्किटेक्चर आ गया, ये मैंने रिसेंटली बनाया था 2021 के लास्ट में शायद 2020। आपने उस वक्त की गणपति की पेंटिंग देखी और ये मेरे कुछ रिसेंट गणपति की पेंटिंग थे। कुछ कुछ पेंटिंग सेल हो गई है गणपति की, कुछ कुछ है, अगर किसी को चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, थ्रू माई कमेंट सेक्शन और एनीवेयर। जो फिर मैंने जगन्नाथ की पेंटिंग बनाई थी, एक पोर्ट्रेट इम्प्रेशन वर्क था पोर्ट्रेट, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पोर्ट्रेट्स में वैल्यू स्टडी करना सिखाया था, ये उस वक्त का एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट था मेरा। ये रिसेंट का 2022 का काम है पोर्ट्रेट का। सो आई होप आपको ये आज की पेंटिंग टूर जो पसंद आई होगी। और तो आज मैंने आपको सिर्फ A3 साइज़ के कुछ कुछ पेंटिंग दिखाई जो मैंने लास्ट पिछले कुछ सालों में की थी, एक बार में सारा पेंटिंग दिखाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा काम रखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने प्लेन एयर पेंटिंग्स का टूर दूंगा। लास्ट 2 सालों में मैंने काफ़ी सारे प्लेन एयर्स किए हैं और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्लेन एयर करने से किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है और किस तरीके से फास्ट इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि लास्ट 2 साल में बहुत कम ही टाइम ऐसा हुआ है कि मैं स्टूडियो में बैठ के घर में बैठ के आराम से काम किया हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज डूइंग लाइव पेंटिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्लेन एयर पेंटिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।